कहूं शस्त्रधारी, कहूं विद्या के बिचारी, कहूं मारत आहारी, कहूं नार के निकेत, कहूं देववाणी, कहूं शारदा भवानी, कहूं मंगला मिरणानी, कहूं श्याम, कहूं सेत। किधरे तेरे बोला दिच दिवे शक्ति टपक दी है, किधरे तेरे बोला दिच चानण ही चानण है, किधरे तेरे बोला च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। हुण किसे नू गाल कढ़ीए ते अगले नू चोट पहुंचती है, अंधेरे ही ते ठोकरां आउंदियां ने। कईआं दे बोल ही अंधेरे वर्गे ने, अगले नू चोट कर जांदे ने। पर किधरे हे प्रभु तेरे बोल देवतियां वर्गे, बड़ा प्रकाश बड़ा चानण उन्हां विच। पर किधरे तू स्त्रियां दी साधारण स्त्री नहीं है, सरस्वती है, महान देवी है, किधरे दिवे शक्ति है तेरे को, बड़ी विद्या है तेरे को, तू आम स्त्री नहीं है, तू आम औरत नहीं है, शारदा है, सुरस्ती है। कहूं धर्म धामी, कहूं सर्व ठौर गामी, कहूं जति कहूं कामी, कहूं देत कहूं लेत हो, कहूं वेद रीत कहूं तांस विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। किधरे तू तीर्थां दे उते जा रहे हैं, धर्म धामी धर्म अस्थाना दी तरफ भज रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किधरे तू राम दे मंदरां दी तरफ दौड़ रहे हैं, गुस्ताखी माफ, किधरे तू काम दे मंदरां दी तरफ दौड़ रहे, किधरे जति बने हुए हैं, किधरे महाकामी बने हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह, कहूं वेद रीत कहूं तांस विपरीत, ब्रह्म दृष्टि च यही कुछ हो जाता है। कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो, अग्गे छेती छेती क्योंकि समा अपनी चाल नाल चलता है। कहूं जटाधारी कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूं जोग साधी कहूं साधना करत हो, ए प्रभु मैं तैनू देखदा जटा जूट किधरे। बड़िया सोनिया जटावां, बड़ा सोना जूड़ा तेरा। जटाधारी जोगी है तू ही है, किस नाल नफरत करोगे जब सब तू ही है, किस नाल घृणा करोगे जब सब तू ही है। कहूं जटाधारी कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी सन्यासी, कहूं जोग साधना कहूं साधना करत हो, कहूं कान फारे कहूं डंडी होए पधारे, कहूं फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। किधरे तू जैनी साधु है, बैठदा भी है ते जगह साफ करके फूक मार के, कोई कीड़ा मकोड़ा थल्ले ना, चलदा भी है ते एक एक कदम जमीन ते पहले देख लेना है किधरे कीड़ी मेरे पैरां थल्ले ना आवे, इन्ना संभल के चलदा पे, इतना संभल के बैठदा पे। किधरे तू जोगी है जटाधारी है ते कन पाटा है। कहूं जटाधारी कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूं जोग साधी कहूं साधना करत हो, कहूं कान फारे कहूं डंडी होए पधारे, कहूं फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो, कतहूं सिपाही होए के सादत से लाहन को, कहूं छत्री होए के अरमारत मरत हो। किधरे तू बड़ा सूरवीर है छत्री है, जड़ बुद्ध ने जो पत्थर जैसे दिल दिमाग रखते ने सख्त ने, तू अपनी शक्ति नाल उन्होंने तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, मारदा है ते किधरे मरदा, किधरे शहीद होना है, किधरे अगले नु टिकाने लाना। कहूं भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूं भाव भूतन की भावना भरत हो। किधरे संसार दे पदार्थां दा लोभ, जिन्हां दे मन दे ते बड़ा भारी भार है,
तू ज्ञानी बन के संत बन के लोगां दे दिल दिमाग दा ए भार उतार दा है। किधरे आयाश बदमाश बन के ते उन्हां दे तरह तरह दे लेक्चर ते गल्लां करके तू ये सारे ख्याल उन्हां दे अंदर पाना है। इस ढंग दियां किताबां भी है, लिटरेचर भी है, या इंज कह लो सारी दुनिया दे बाजार दे इतना राम दा लिटरेचर नहीं मिलेगा जितना काम दा मिलेगा। सारिया फिल्मां दे च धर्म दी गल इतनी नहीं होवेगी जितनी कुकर्म दी गल है। ते पंजाब दे गायक ते सवाए निरा ही नंगा ते गंदा गीत तो इलावा और कोई चंगी गल करना जानते ही नहीं। माफी मैं उन्हां कोल पहले मंग लां। सारा पंजाब दा माहौल दूषित पे कर देना। मुख्तसर मैं अर्ज करा, कहूं भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूं भाव भूतन की भावना बरत हो, कहूं वेद रीत कहूं तांस्य विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। सतगुरुदेव जी महाराज सिर्फ इत्थे तक ही नहीं होते, कहूं अकलंक कहूं मारत मयंक, कहूं पूरन पर्यंक कहूं शुद्धता की सार हो, कहूं देव धर्म कहूं साधना के हरम, कहूं कुत्सत कुकर्म कहूं धर्म के प्रकार हो। किधरे तेरा एक कर्म भी ठीक नहीं, सब कुकर्म है। किधरे तेरे सारे कर्मां दे उत्ते धर्म दी मोर लगी हुई है, तेरा हर कर्म धार्मिक है। कहूं कुत्सत कुकर्म कहूं धर्म के प्रकार हो, कहूं पौनाहारी कहूं विद्या के बिचारी, कहूं जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूं नार हो। महाराज की बिरती फिर इंज कह लो द्वापर दे चली गई, कहिंदे ने कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत के नचैया, कहूं नर को आकार हो। किधरे सुंदर पुरुष का रूप तो धारण किया होया, मुरली बजा रहे हैं, गौं चरा रहे हैं, गोधन चरा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं मुरली बजा के और नृत्य करके। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार हो, कहूं बेद बानी कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के प्रकार हो। किधरे तेरे बोलां दिच विद्या ही विद्या है, बेद बानी है। किधरे तेरे बोलां दिच अविद्या है, कोक की कहानी सिर्फ दुनियावी रस है, सिर्फ विपिचार दियां गल्लां ने, दुराचार दियां गल्लां ने। मैं हुणे अर्ज कीती है, धर्म ग्रंथ भी ने पर दुनिया दे कुकर्म ग्रंथ भी ने। बड़ा गंदा लिटरेचर जितना बिक रहा है उतने धार्मिक ग्रंथ धार्मिक पोथियां नहीं बिकदियां। ट्रेन दे सफर करदे होया देख लेना लोकी की पढ़ते पेने, रामायण पे पढ़ते हैं, गीता पे पढ़ते हैं, या किसी सिख के हाथ च कोई सुंदर गुटका होंदा है, सारियां दे हाथ च फिल्मी किताबां होंदियां जिनसियात नाल भरियां कहानियां नावल होंदे हैं। और की होंदा है, यही कुछ होंदा है, यही कुछ मैं प्लेन दे देखिया, बसां च देखिया, यही ट्रेन दे। ये साहित्य जितना बिकदा पिया है दूसरा नहीं। महाराज कहिंदे ने मैं किधरे देखदा बाणी बोल देवत्यां दे ने, किधरे ते निरी कोक दी कहानी है, काम सूत्र है, काम दियां ही गल्लां ने। कहूं बेद बाणी कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के प्रकार हो, कहूं बेन के बजैया कहूं धेन के चरैया, कहूं लाखन लवैया कहूं सुंदर कुमार हो। बड़ा सुंदर स्वरूप है पर चुरांदा तो मक्खन ही है, माखन चोर श्री कृष्ण दा ना पै गए। गुरु गोबिंद सिंह भी कहते हैं किधरे तू मक्खन दा ही रस है, मक्खन खाना है ये तेनू बड़ा स्वादी लगता है। कहूं लाखन लवैया कहूं सुंदर कुमार हो, शुद्धता की सान हो के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो निर्दोखी निरंकार हो। किधरे तू आकार तो रहते तेरा कोई आकार नहीं,
संतां दा सहायक हैं, मददगार हैं, भगतां दा सहायक हैं, मददगार हैं। अगे भी कुछ सतगुरु कहिंदे ने समा ते इजाजत नहीं पै देंदा, पर सरवण कर लो। निर्जुरो निरूप हो, जोड़ नहीं है तेरे नाल, ऐसा नहीं कि तू जुड़ के बने हुए। कई इट्टां नूं जोड़ के मकान बनता है, कई लकड़ां नूं जोड़ के दरवाजा बनता है, फर्नीचर बनता है। तू निर्जुर है, ऐ नहीं कि कई चीजां नूं कई शक्तियां नूं जोड़ के तेनों बनाया गया हो। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। साडा जो शरीर है ना, पंज तत्तां नूं जोड़ के प्रभु ने बनाया, एक तत्त नहीं है, कईयां नूं इकट्ठा करके बनाया। तू इस तरह का नहीं है, तू निर्जुर है, निर्जोड़ है। यह नहीं कि वह जोड़िया गया हो, वह जोड़िया गया हो, सारी चीजा कट्ठिया कीतिया गया तो फिर तू बने हो, नहीं, इस तरह नहीं। निर्जुर निरूप हो, स्वादी भोजन बनता है तो मिर्चा भी पाने, हल्दी भी पाने, लूण भी पाने, होर तरह तरह के मसाले पाने, साग पाने, सब्जी, कई चीज़ा जोड़ते हैं तां सब्जी बनती है, कई चीज़ा जोड़ते हैं तां दाल बनती है। इस तरह तू नहीं है, तू महारस है पर निर्जुर है, तू महाशक्ति है पर निर्जुर है, तू महारूप है पर निर्जुर है। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, के दाता महादान हो, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, किदो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो, के अदवे अविकार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो, जोबन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, के सत्रन को सोल हो, के मित्रन के प्राण हो। कितने इतना तो सुंदर है, इतना सुंदर है, तेरा सोना होना इतना जाल बन जाता है, कई फस जाते हैं तेरा स्वप्न वेख के, जोबन के जाल। पर किधरे तू बड़ा भयंकर है, काल हूं के काल, निरी मौत है जिड़ा तेरे विच फसिया ते गया। किधरे इतना सुंदर, इतना सुंदर, जिड़ा आया ते तेरे स्वप्न च फस गया। किधरे इतना भयंकर, इतना भयंकर, जिड़ा ग्रिफ दे चाया ते खत्म। जोबन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, के सत्रन को सोल हो, के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्म बाद, कहूँ विद्या को बिखाद, कहूँ नाद को ना नाद, कहूँ पूरन भगत हो। किधरे विद्या दा बिखाद है ते विद्वान, पर ए नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर, ओनू पिछे सुट, ओनू भिज, सारी विद्या बहस मुबासे च गवाणी, एदे नाल चर्चा, ओदे नाल वाद, ओदे नाल विवाद, विवाद ही करना। कईयां नूं विद्या हजम नहीं आउंदी, जिवें कईयां नूं भोजन हजम नहीं आउंदा ते उल्टियां करन लग पैंदे ने, कईयां नूं ज्ञान ते विद्या भी हजम नहीं आउंदी, उल्टियां करन लग पैंदे ने। कहूं ब्रह्म बाद, कहूं विद्या को विखाद, कहूं नाद को ना नाद, कहूं पूरन भगत हो, कहूं वेद रीत, कहूं विद्या की प्रतीत, कहूं नीत ओ अनीत, कहूं ज्वाला सी जगत हो, पूर्ण प्रताप कहूं, एकांति को जाप कहूं, ताप को अताप कहूं, जोग ते दिगत हो, कहूं बर देत, कहूं छल से छिनाए लेत, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत, हर समय हर जगह ए प्रभु तू मैनू एक दिखाई दे। हजारां रूप बयान किए ने इत्थे कलगीधर, सर्व काल हर समय, ये नहीं किसे वक्त मैनू तू एक दिखाई देना ते किसे वक्त नहीं, कलगीधर इस तरह नहीं कहते। सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत, हर समय ते हर जगह ए प्रभु तू मैनू तो एक रूप दिखाई देना, एक कोई। इतनी समदृष्टि, सब कुछ विचे बंद कर दिता है। समदृष्टि ब्रह्म दृष्टि आती है, ये उन्हां कोल आती है जिन्हां कोल ब्रह्म ज्ञान आता है। कलगीधर पिता इतने समदृष्ट, भाई कन्हैया नूं डांटदे कहिंदे तू अधूरा कम कीता, निरा पाणी पिलाना, मरम पट्टी भी करिया,
स्पष्ट रूप नहीं को बहरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बनाए। समदृष्ट ब्रह्मदृष्ट सर्वकाल किसी वक्त मनुख रस दे चाहता है, बाणी का कोई स्वाद आया होंदा है, दयालु आंदा है, यही दुकान ते बैठता है फिर कठोर हो जाता है, कार व्यवहार दे जाता फिर कठोर हो जाता, हुणे कोमल सी हुणे कठोर हो गया। जिवें पाणी, भगत कबीर ने पहले तो कहा पाणी जैसा हो जा प्यास बुझांदा है, निर्मल करता है, इशनान करिए निर्मल करता है, इस वासे जल जैसा बन जा पानी जैसा बन जा। खे हुई तो क्या बया जो उड़ उड़ लागे अंग, अर्जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, पानी दी तरह बन जाइए। मैले कपड़े दो देंदा है, मैला बदन दो देंदा है, प्यास बुझा देंदा है। सवेरे दे वक्त इशनान कीता सी, सरोवर दे जल पीता सी, चले गए किसे दरखत थल बैठ के साधना कीती है, शाम नू वापस आ रहे ने, दोपहर दी गर्मी धुप करके सरोवर का पानी गर्म हो गया सी, जद हुण पीण लगे तो उतना स्वादी नहीं, गर्म हो गया सी, कड़क दी धुप। कहिंदे ने नहीं, पानी हुआ तो क्या भया जो सीरा ताता होए, अर्जन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए। ए हुणे सवेरे ते ठंडा सी, हुण गर्म हो गया। कई सत्संग देच इंज बैठे होंदे ने बिल्कुल देवते ठंडे, घर जाके ऐसा पड़तू पा देंदे निरे ही भूत प्रेत, गर्म हो गए। कहिंदे नहीं, ए पानी जैसा भी नहीं, गर्म हो गए ते ठंडे हो गए, ठंडे हो गए ते गर्म हो गए, एक सुबह नहीं एक जैसे नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने सर्व काल हर समय, चाहे सवेरे च चाहे शाम है, किसे वक्त भी और हर जगह, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत तो, हर समय हर जगह तू मैनू एक जैसा दिखाई दे, तू एक। बहुत सारे पातशाह दे इस तरह के वाक ने शब्द ने, मैनू समा इजाजत नहीं पिया देंदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत, हर समय हर जगह तू मैनू एक जैसा दिखाई देना है। भाई साहब भाई नंद लाल दे बोल तो मैं इस शब्द का सारंश आरंभ किया सी, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत भाई साहब भाई नंद लाल। ब्राह्मण हे भगवान तेरे दर्शन करने लई जांदा है मंदिर दे, जाहिद फिदाए खानका, जाहिद जांदा है मस्जिद दे, पर हर को जा जामे मोहब्बत दे दैम सरसारस। भाई साहब कहते मैं ते जिधर देखदा हे प्रभु तेरे तो बिना कुछ होर है ही नहीं, सारा ब्रह्मंड तेरा ही मंदिर है, सारा ब्रह्मंड तेरी मस्जिद है, सारा ब्रह्मंड हरी मंदिर है, सारा ब्रह्मंड तेरा ही स्थान है। भाई साहब भाई नंद लाल इस तरह अपनी बाणी दे फरमान पे करते हैं। अज का यह वाक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे ही दृष्टि का जिक्र पे करते हैं, और धर्म की दुनिया च शिखर की दृष्टि है, शिखर की अवस्था है, जिन्होंने मैं चंद शब्दों में बयान किया। आखिरी अरताप सरवण करो। हाँ जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, धनासरी महला पंजवा, जह जह पीखा तहे हाजूर, दूर कतहो ना जाई। जिधर वेखदा हे प्रभु तू हाजर नाजर है, जाहर जहूर है, हर जगह मौजूद है, अपने तो मैं दूर तेनू वेखदा नहीं, और अपने तो दूर किधरे तू जा नहीं सकदा, क्योंकि तू व्यापक है, सारी जगह पूर्ण है। हाँ जी, राव रहया सर्वत्र मन सदा त्याई। हे मेरे मन सदा हमेशा उदे च ध्यान जोड़, जो सारिया दे च रमिया होया ते व्यापक है। हाँ जी, कीत ऊत नहीं बिछोड़ा सो संगी गनिया। इस लोक दे ते परलोक दे च जो बिछड़दा ही नहीं, नाल ही रहिंदा है,
ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਥੀ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਾ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਆ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਸੁੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਲ ਅਪਿਆਉ ਦੇ ਕਾਸ਼ ਊਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਊਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਛਲ ਆਛੇਦ ਆਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚਾ ਜਾਕਾ ਰੂਪ। ਜਿਹਨੂੰ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਤੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਧੋਖਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਛਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਛੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛਿੱਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਰਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਾਨ ਆਚਰਜ ਆਨੂਪ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਪਾਰ, ਅਛਲ ਅਤੇ ਅਫੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਦਾਨ ਪਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਣ 'ਤੇ ਦੇ। ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਛਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।